मैम, जैसे आज पंचायत हुई थी मोखरा गांव में, वहाँ पंचायत हुई थी, आपको पता भी होगा मेरे ख्याल से इस चीज़ का, तो पंचायत में फैसला लिया गया है कि सोमवार को सभी एसपी के पास जाएंगे और वहाँ पर आपके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। किसने बोल लिया ये बात? ये सभी ने मिलकर, जो वहाँ पर साधु समाज आया हुआ था, जो पंचायत में गणमान्य व्यक्ति थे या फिर गाँव, एप्लीकेशन भी जारी की गई है, उस पर सभी के साइन भी है। कोई बात ना, एसपी का चला जाएगा, एसपी जो कहेगा वो मंजूर है। तो मैम क्या फिर एसपी का जाने की जरूरत क्या है? हमारे गांव में चार सरपंच है, चारों इकट्ठा होकर कह दो कि बात क्या है, फाइनल हो जाएगी। साधु संत की ना मानूं मैं किसी की भी, जो सरपंच कहेंगे वो मेरे को मंजूर है। किस लिए एसपी का चक्कर काटना है, किस लिए गाड़ियों को किराए लगाने हैं? सरपंच हैं, चारों बैठ के एक सहमत हो जाओ, जो फैसला दोगे वो मुझे मंजूर है, मैं क्यों बहस करूंगी किसी को लेके। तो मतलब अगर गांव वाले कहेंगे, साधु सारे सरपंच बैठ के एक पास में मतलब कहेंगे कि आप चले जाओ हमारा गाँव छोड़ के, तो आप चले जाओगे? हाँ जी, मैं कोई वाद विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कराऊंगी इस गाँव में, बहुत अच्छा गाँव है, शांति प्रिय गाँव है और शांति बनाए रखूंगी, मेरा काम भी यही है। तो मैम एक वीडियो जारी हुई थी कि मैन सुग्राईनाथ ने आप पर हमला करवाया है, तो उसको लेकर अगर वो सच्चाई थी तो आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाई? मैंने एफआईआर कराई है बहू अकबरपुर थाने में, मेरे साथ जो आदमी गए थे गांव समाज के, उन्होंने साइन भी कर रखे हैं, रिसीविंग अभी आई नहीं है क्योंकि हम इस पंचायत के मैटर में बिजी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने तो हमें खबर नहीं की, पर हमें पता तो था कि भाई पंचायत होने वाली है, क्योंकि मीडिया वाले आप जैसे बता के गए थे हमने। बाकी रिपोर्ट जो हुई थी उसमें उन लड़कों ने यह भी कहा है कि हमें सुकराईनाथ ने भेजा था, और उनके जो वीडियो रिकॉर्डिंग के सबूत हैं वो भी मेरे पास मौजूद है। आगे बोलो। तो एक बात और हुई थी कि सुकराईनाथ जी ने ये बात उठाई थी कि भाई पहले दो बोतल मंगवाई जाने थी, लेकिन हमारे विरोध के बाद में एक बोतल कर दी, दो सिगरेट कर दी, जबकि पहले पूरी डिब्बी आती थी। सुनो मेरी बात, ये जो बोतल है ना उसके विरोध की बात ना है, इन बोतलों को एक्सपोज करना, नहर वहर में डाल नहीं सकते, गंदगी होगी, इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि एक बार हमने नहर में डाल दी थी, पर वो भी 12-13 बोतल, उसके बाद हम उसने मुरथड़ पहुँचा गए, गाड़ी में इतनी दारू लेके जाना, रास्ते में पकड़ी जाए तो वो भी एक समस्या बन जाएगी हमारी जान ने, तो फिर किस लिए ऐसा काम करना? तो हमने एक ही बोतल, दारू तो अब भी चढ़ेगी, दारू बंद नहीं है, उसका मतलब कि दबाव तो मेरे ऊपर जब होता ना, मैं दारू को बिल्कुल ही ख़त्म कर देती, जब तो दबाव भी माना जाता, दारू तो अब भी चढ़ेगी। तो उसका कहना है कि पहले जब दो बोतल में इलाज हुआ था तो एक बोतल में कैसे हो जाएगा? बोतल जो है मैं बता तो रही हूँ उनको, मुरथड़ धाम तक कौन पहुँचाएगा? बीच में रोहतक डिस्ट्रिक्ट भी आता है, वहाँ पुलिस भी होती है, 250-300 बोतल कौन पहुँचाएगा? वहाँ गाड़ी पकड़ी जाएगी रास्ते में। तो मैम स्टार्टिंग से ही एक बोतल में इलाज होता था, लेकिन अब एक में होता, उसमें से उस बोतल को रखते थे हम पूरी की पूरी बोतल को, अब यही हम करेंगे, क्या करेंगे वो सुनो, उस जो बोतल एक और आएगी उस बोतल से हम दारू निकालेंगे, थोड़ी सी एक कप निकाल के और अपनी बाल्टी रख लेंगे साइड में, उसमें डालते रहेंगे दारू, तो मैं वही तो बता रही हूँ कि दारू तो अब भी चढ़ेगी, दारू हम अपने पास अब भी रखेंगे, पर पहले सील बंद रखा करते, अब खुली रखी जाएगी। तो मैम जो वहाँ पे और वहाँ पे उठाई गई है कि है उसकी जो वीडियो है, ये सार्वजनिक रूप का बोली, उनके पति ने मेरे को बोला है ये बात, उन्होंने महा पंचायत में बोली है कि उनके पति ने बोले मेरा घर बर्बाद कर दिया, इसने ये किसका बसावेगी इस तरह। मेरे पति का परसों फोन आया था, मैं उठा नहीं पाई, मेरे पति ने जो सुकराईनाथ के खिलाफ जितने भी सबूत है ना वो सभी मेरे को वीडियो में करके दे रखे हैं, जो सुकराईनाथ ने पैगा में कंडेला में, ये मेरे पति ने मेरे को वीडियो के जरिए बताया है कि अगर सुकराईनाथ फालतू बोले तो ये तू जो वीडियो है ना ये मीडिया को दिखा देना, हालांकि मीडिया के पास तो वो है, पर मेरे को नहीं पता था ना कि उसने क्या क्या कांड कर रखे हैं, तो वो मेरे पति ने मेरे को बताया है, और मेरे पति ने मेरी माँ के पास भी फ़ोन किया है कि मैं इसके साथ हूँ, अगर कहेगी तो मैं पंचायत में भी आ जाऊँगा। तो मैम ये दोगलापन आपके पति कर रहे हैं या फिर सुकराईनाथ कर रहे हैं? मेरी बात सुनो, सुकराईनाथ करो चाहे मेरा पति करो, मेरा कर्म बोलेगा, क्योंकि वो एक तरफ कहता है कि सुकराईनाथ को ये मेरा घर बर्बाद करके आई है, ये किसका क्या बसाएगी, और एक तरफ फिर आपको विटनेस देता है सुकराईनाथ के खिलाफ। देखो मैडम, वो मैं एक बात बताऊँ, वो मेरी पर्सनल लाइफ है, वो मेरे साथ क्या कर रहा है, सुकराईनाथ के साथ क्या कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, वो तो एक पर्सनल लाइफ होगी ना, अब मीडिया वालों को इतने सारे सवाल के जवाब तो मैं दे नहीं सकती। बाकी मेरा पति ऐसा नहीं है जो उसके पास कॉल करेगा या मेरे बारे में कुछ गलत बोलेगा, मैं उसको 15-16 साल से जानती हूँ, वो बहुत ही बढ़िया इंसान है, बेशक दारू पीता है, पर वो मेरे हक में आज भी सही है। तो साथ भी होकर एक पर्सनल लाइफ भी होती है, क्योंकि साधु की तो सबके समक्ष होता है सब कुछ, और उसका कुछ पर्सनल नहीं रहता, सब कुछ वो समाज सेवा के लिए समर्पित कर दे, तो आपने पर्सनल लाइफ कही है, तो आप दो जिंदगी कैसे जी उसको? सबसे बड़ा धर्म होता है गृहस्थी धर्म, उसको भी लेकर चल रही हूँ मैं, और एक जो समाज सेवा धर्म है उसने भी लेकर चल रही हूँ मैं, तो दो दो धर्म कोई नाथ निभा के तो दिखाओ है। तो वो यही कह रहे हैं कि साधु अगर आपने साथ में लगाया गया है तो वो गृहस्थी। मैंने नहीं लगाया है साध्वी, मेरे को मीडिया ने ये नाम दिया है, मेरा नाम सोमनाथ है,
और वो है तो है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। ठीक है, रही आज छोड़ो, सच्चाई की जीत होती है हमेशा ही। और मैंने एक 3-4 दिन पहले इंटरव्यू भी दिया था कि अगर मैं गलत हूँ तो गुरु गोरखनाथ मेरे को इस चीज़ का दंड देंगे, और अगर कोई और गलत है तो उसका दंड उसको मिलेगा। तो दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने। जो युवा साथी थे उनकी यह भी बात कही थी कि इनका पैसे का और दारू का बंटवारा में भी रोड़ा हुआ था, यह बात वीडियो हां झगड़ा हुआ दे मेरी बात कहने कही है बात ये उन्हीं ने कही, युवा साथी ने बोली है, बोली है हमारे पास। सुनो कि हमारी कमेटी से बोल रही है बात? नहीं नहीं नहीं, आपकी कमेटी से बिल्कुल नहीं बोले, लेकिन यूं कहा है उसी भाई हमने देखे हैं उनका झगड़ा हुआ। पहली बात तो जो मेरी कमेटी है ना 15 बालक तो युवा संगठन का है, और 10 हमारे बीच किसी उम्र के हैं जो कि बुढ़े भी हैं उसमें और थोड़े बीच के से भी है, उनमें से एक भी तो दारू नहीं पीवे, ना तो बालकाम पीवे और ना युवा संगठन में पीवे ना बड़े बुढ़ों में पीवे। पहली बात तो यह होगी। दूसरी बात, दारू के बंटवारे पर क्यों लड़ाई होगी? तीसरी बात, जिसने ये बात बोली है ना वो मेरे पास बोतल लेने के लिए आया था और मैंने उसको कर दिया मना। ठीक है, क्योंकि मैं मंदिर में से किसी को भी दारू बाहर नहीं देती, सारी दारू या तो मैं अपने हाथ से एक्सपोज करती हूँ या अपने हाथ से मूर्थल भिजवाती हूँ। जब दारू ना दे जब ओडोड मुँह हो जाया करे, ठीक है, तो मैं दारू ना दूँ, बेशक वो मेरी कितनी बुराई करे जाओ। और दारू बेचने के किसके पास क्या सबूत है कि मैंने दारू बेची है? ठीक है, मेरे पास जो मेरे साथ जो किया है सुकराई नाथ ने, साध्वी ठाकुर ने, उसके मेरे पास सबूत मौजूद है। ठीक है, और मैं दे सकती हूँ। अरे एक ये मीडिया वाले ना, आपको स्पेशली नहीं कह रही मैं, जो इस तरीका से करते हैं, ये नीचे नू मत लिखा करो बिना बात, खोल दी पोल, पट्टी पाट दी, ताई नू बोली, ताऊ नू बोलो, 13,000 रुपया मैं अभी जेल। कौन सी जेल होगी, आपके सामने बैठी हूँ ना। और तड़के SP का भी जाऊँगा तो SP भी इंसान ही है, वो भी हमारी बात सुनेगा, वो दोनों पक्ष की सुनेगा, वो हमारे रोहतक डिस्ट्रिक्ट का राजा है तो वो प्रजा की सारी सुनेगा कि भाई बात है क्या। और इन्होंने तो कोई मतलब की कार्रवाई की भी नहीं, वो तो अपने बेस पे कार्रवाई भी करवाएगा और उसमें फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि कौन गलत है कौन सही है। तो मैम आपका पक्ष, आपका पक्ष रखने के लिए अगर गांव वाले बोल रहे हैं कि भाई हमारा गांव क्या शांति भंग हुआ है और भाईचारा आपस में खराब हुआ है, तो क्या फिर ये जो झाड़ा है ये कुछ दूसरी जगह लगाया जाएगा? झाड़ा तो बंद नहीं होगा कभी भी, जब तक मैं जीऊंगी। मोखरा गांव रखेगा तो यहाँ भी लगेगा और मैं बाहर जाती हूँ तो वहाँ भी लगेगा। अगर मोखरा गांव का सुझाव आता है कि भाई हम नहीं रख सकते, हमारे समाज के ऊपर इस चीज़ का दबाव बनता है कि इसको नहीं रखना है, तो मैं उसको मान्य करूँगी और मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करके चली जाऊँगी। तो मैम जैसे आज की जो महापंचायत थी उसमें उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि हमने उनके पक्ष सुनने के लिए उनको यहाँ पर बुलाया गया था, तो क्या आपको वहाँ पर बुलाने के लिए निमंत्रण आया था? ना तो हमारी कमेटी के पास कोई इस चीज़ की सूचना, ना किसी और के पास इस चीज़ की सूचना, और ना जिसकी पंचायत है उसको तो उसके पास तो बिल्कुल ही सूचना नहीं है। और आप बरगए पत्रकार आकर मेरे तो बता रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, पंचायत है ये, और आपने बताया था मेरे से तो आके प्रियंका जी ने, तो ठीक है, तो मेरे को तो अभी तक कोई सूचना पे तो मैं क्यों जाऊँ? जब मेरे को कोई बुलावेगा जी तो हमारा समाज जाओगा। मैम उनसे सवाल किया गया था कि उनका पक्ष क्या आपने सुना, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने भेजा था पक्ष सुनने के लिए लेकिन वो नहीं आई यहाँ पर। और देखो ये वहीं से बोलेंगे जो बोलेंगे यहाँ पे नहीं है। सुनो मेरी बात, मैं पूरा गांव समाज इसने देखेगा, हरियाणा देखेगा, पूरा इंडिया देखेगा, देखेगा या नहीं देखेगा, मैं एक बात कहूँ ना, तो हमारे पास कोई आया और अब तक कोई नहीं आया कि फैसला क्या रहा या क्या पंचायत हुई, सब फोन में ही देख रहे हैं शुरू से हम, और ना मेरे को किसी ने बुलाया। ये झूठी बातें हैं, ये झूठे अडंबर हैं, और इस तरीके की बकवास ना मैं करूं और ना मैंने पसंद है, क्योंकि कोई भी फैसला होता है तो दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ही होता है। हाँ जी, मेरे को भी वहाँ खड़ा करना था, या फिर मेरे एक बात बताओ मैडम, आप पंचायत थी मेरे खिलाफ तो मैं यहाँ हूँ, तो मेरे को मेरे पास आना था ना। तो उन्होंने बोला है कि हमने उनको बुलाया था लेकिन वो आए नहीं। वे यहाँ आ सकते थे, इतना बड़ा पार्क है 3-4 किले का, जो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही थी ना उससे तो बड़ा पार्क है, उनकी सब व्यवस्था हम कराते कि भाई हम वहाँ पंचायत करेंगे तो उनकी व्यवस्था करा के देते। मतलब आपको यहाँ बुलाने के लिए कोई नहीं आया? हमें नहीं, हमारी कमेटी तक में खबर नहीं है कि वहाँ पंचायत हो रही है, आपको पता ही नहीं इस चीज़? हाँ जी, और सरपंच साहब का मेरे को पता नहीं कि उनको पता है या नहीं पता, देखो मैं उनके ऊपर कोई वो नहीं करूँगी, पर हमारी जो कमेटी है 25 आदमियों की उसमें किसी को नहीं पता, खासकर जो मेन मुद्दा मैं हूँ मेरे को भी नहीं पता। उन्होंने जो अपना पक्ष लिया, उन्होंने जो अपना फैसला किया उन्होंने कर लिया, आप अपने पक्ष में क्या कहना चाहोगे? मैं अपने पक्ष में ये कहना चाहूँगी, फिर वही बात है, मैं किसी अंधविश्वास को पाखंड को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ झाड़े लगाती हूँ शिव गोरख का नाम लेके, उनसे ही सबको फायदा होता है, और आगे कोई विवाद होगा मोखरा गाँव में तो उसको विवाद को रोकने के लिए जो फैसला मान्य होगा जायज वो मैं मानूंगी, और उस मान को स्वीकार करके मैं यहाँ से चली जाऊँगी।